स्टूडेंट्स लाइफ इन जयपुर। जैसा कि मूवीज में बताया जाता है कि हॉस्टल्स में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, दिन रात दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, कभी ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई नशे कर रहा है, कोई सिगरेट के, कोई दारू के, कोई किस चीज के नशे कर रहा है, और पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, कोई कहाँ सो रहा है रात को, कोई सुबह कहाँ मिल रहा है, कभी नाइट आउट पे जा रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं इसके मजे ही मजे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जयपुर के स्टूडेंट्स की लाइफ। मैं आज आपको बताऊंगा जयपुर के स्टूडेंट्स की लाइफ की रियलिटी, कि उनकी लाइफ कैसी है। सो हेलो एवरीवन, मैं आज स्वागत करता हूं आपके इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयपुर के स्टूडेंट्स की लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, और अगर है भी तो वो कोई 1-2% होते हैं जिनकी लाइफ वैसी होती है। क्योंकि मैं जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ वो आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, उन्हें टाइम इतना ही होता है कि लाइक वो अपना कोचिंग साल भर कोचिंग करते हैं, कोई 2 साल कोचिंग करता है, और वो बस इस टाइम पीरियड में कोचिंग करते हैं और पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, बस इतना ही टाइम होता है। तो उन्हें ऐसी लाइफ स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता, और जैसा मूवीज में दिखाया जा रहा है कि हॉस्टल्स में सारे दोस्त मिलके मस्ती कर रहे हैं कोई कहाँ, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पीजी है, पीजी और हॉस्टल में बहुत डिफरेंस होता है। हॉस्टल में आप हर कोई दोस्त होता है, और हॉस्टल एक्चुअल में देखा जाए तो कॉलेजेस के अंदर होते हैं, कोचिंग्स के अंदर नहीं होते हैं हॉस्टल्स, क्योंकि वो सारे एक ही कॉलेज में जाते हैं और एक ही वो सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और उन्हें मस्ती करनी होती है, कॉलेज में इतना प्रेशर होता नहीं है। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कोचिंग जाओ फिर आके पढ़ो और अपने काम से मतलब रखो, कोई 1-2 दोस्त बनते हैं, अदरवाइज सब अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी को बगल वाले का भी पता नहीं होता कि बगल वाले कौन। बट और यहाँ पे पीजी के अंदर रूल्स होते हैं, आपको वो फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज आप फिर जा सकते हैं इसमें। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने के लिए, पढ़ने के लिए जयपुर के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन की नहीं, आपको रेफरेंस की या फिर स्किल की जरूरत होती है, और वो जॉब इतना लंबा ही टिकती है जितना कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स, इसीलिए तो लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लंबा टिक, उसमें आपको जल्दी से कोई निकाल नहीं सकता जब तक कि आप कोई कांड ना कर, जब तक कि आप भ्रष्टाचार में ना पकड़े जाए, जब तक कि आप कोई गलती ना कर दे, जब तक कि आप अपने सीनियर की बात ना माने, जब तक कि आप कोई ऐसा कांड ना कर दे जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट खुद नोटिस जारी करके धक्के मार के निकाल दे। सो इन स्टूडेंट्स की लाइफ का एक डेली रूटीन बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्टूडेंट्स मॉर्निंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं और 5-6 घंटे की क्लास करते हैं कंटिन्यू, फिर उसके बाद थके हारे आते हैं और पीजीज में रूम में फ्लैट में जहां पर भी रहते हैं वहां चले जाते हैं और अपना खाना वगैरह खा लेते हैं और रेस्ट करते हैं। अब दुख की बात तो उनके लिए है जो रूम पे रह रहे हैं, पीजी वाले स्टूडेंट्स को तो खाना बना बनाया मिल जाएगा और वो भी गरम गरम। अब जो स्टूडेंट्स रूम में रह रहे हैं उन्हें खाना बना के खाना पड़ेगा, चाहे उनकी कंडीशन कैसी भी हो, चाहे तबीयत खराब हो या फिर थके हुए हो, जो भी हो खाना बना के खुद ही खाना है, तो अब खाना ही है। उन्हें अपने हाथ का खाना पसंद है, एकदम लबाबदार, एकदम चीजी, एकदम स्पाइसी। उन्हें पीजी का कच्चा खाना थोड़ी पसंद है, वो तो एकदम फ्रेश खाएंगे ना, वो प्रोफेशनल शेफ है। उसके बाद में फिर रेस्ट करके फिर वो लाइब्रेरी, जिनको पढ़ना होता है वो लाइब्रेरीज में चले जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स रूम पे भी पढ़ते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना होता जिनको कुछ और काम वो करते हैं, और कुछ लोग अपने महिला मित्र के साथ घूमते हैं और कुछ लोग अपने पुरुष मित्र के साथ घूमती है। सो ये सब चलता रहता है, और स्टूडेंट्स की लाइफ 3 शिफ्ट के अंदर चलती है, क्योंकि कोचिंग से भी 3 शिफ्ट के अंदर चलती है, मॉर्निंग नून इवनिंग, और उसके अकॉर्डिंग ये अपनी लाइफ सब जी रहे हैं। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपको मोस्टली लाइब्रेरीज के अंदर मिलेंगे, उनके दोस्त कम होंगे और वो आपको हमेशा अकेले मिलेंगे, और अगर ब्रेक टाइम पर उनके वो अपने दोस्तों के साथ है तो अपने एक तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं क्वालिटी फ्रेंड्स के साथ। और बाकी स्टूडेंट्स जयपुर घूम रहे हैं, रील भी बना रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं, सब अपना अपना अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब देखो इन सब का रूटीन थोड़ा इतना टफ है और इतना थोड़ा स्ट्रेसफुल है, तो सब ब्रेक टाइम पे क्या करते हैं, अब ब्रेक टाइम पे सब चाय वगैरह पीते हैं, कोई सिगरेट वगैरह पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इवनिंग के टाइम पे चाय की टपरी पे मिलते हैं और कैफेज वगैरह पर वहीं पे मिलते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो खो गया है तो आप वहां पर जाके उसको ढूंढ सकते हैं, ये कहाँ है, मोस्ट वांटेड, तो आपकी तलाश वहां पे पूरी होगी चाय वाले भैया के पास जाके, आप वहां जाके पूरी कर सकते हैं। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने भी देखा है, उसे साकार करने के लिए मुझे जो हिम्मत चुकानी पड़ेगी वो मैं चुकाऊंगा। और अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हैं 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
स्टूडेंट्स आते हैं बड़े जोश के साथ, जयपुर में आए पढ़ने के लिए, आए हैं नया नया शहर, नई नई हवा, नया नया माहौल, आजाद परिंदे, आ गए जयपुर में पढ़ने के लिए। कोचिंग चूज किया, कोचिंग में जितनी भी फीस है, 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, जो भी व्हाटएवर जो फीस है वो फीस जमा कराते हैं, अच्छे से महंगे पीजी में जाके रहते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, 10-15 दिन रुकते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तब जाके उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्रिपरेशन नहीं करनी, उन्हें यहाँ का माहौल सूट नहीं हो रहा, उन्हें यहाँ का खाना सूट नहीं हो रहा, उन्हें यहाँ का पानी भी सूट नहीं हो रहा, उन्हें यहाँ पर कुछ भी सूट नहीं हो रहा, उन्हें घर वालों की याद आ रही है। वो तैयारी तो वहां से भी कर सकते थे, ऑनलाइन भी कर सकते थे, उन्हें ये सारी चीजें अब पता चल रही है इतना पैसा लगाने के बाद कि हमसे यहाँ नहीं होगा, यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ पर बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा शहर मुझे खा रहा है, मुझे देख रहा है, सब मुझे ही देख रहे हैं, मैं जिधर जा रहा हूँ मेरा होगा नहीं होगा सिलेक्शन, ये वो इसी वजह से तो स्टूडेंट्स फिर बीच में छोड़कर चले जाते हैं, और जो बैचेस स्टार्टिंग में फुल भरे होते हैं वो आधा कोर्स होते होते तो आधे खाली हो जाते हैं। सो अब देखो जयपुर के अंदर हर तरह के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, जो अपनी मर्जी से आए हैं वो भी, और जो घर वालों के दबाव में आए हैं वो भी। जो अपनी मर्जी से आए वो लंबे टाइम तक जयपुर में रुक के अपनी पढ़ाई को पूरा खत्म करते हैं और फिर जाते हैं, और जो दबाव में आए हैं वो, और ये सारे स्टूडेंट्स सब अपने अपने बजट के हिसाब से रह रहे हैं। जैसा कि अब बात करूँ तो मैं कोई 3,000 रुपये में 4,000 रुपये में जयपुर के अंदर 1 महीने पूरा रह लेता है, खा लेता है, पी लेता है, सब कुछ कर लेता है, और उधर दूसरा स्टूडेंट 3,000 से 4,000 रुपये तो अपनी चाय और सिगरेट में ही उड़ा दे रहा है। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और जयपुर में रहने का अगर देखा जाए तो मिनिमम 3,000 to 5,000 रुपीज़ है, और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो वो आपकी जेब पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब में कितना दम है। बोलते ना मोटी चैन मोटा पैसा, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप बहुत ही लग्जरी लाइफ भी जी सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रेंट पे करके भी रह सकते हैं, फ्लैट में रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आप अब जयपुर में आकर रहना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अब आपको पीजी का थोड़ा ऐसे आइडिया करना है कि लाइक पीजी कैसे है यहाँ पर, उनका एग्जैक्टली अंदर से इंटीरियर कैसा है और उनका बजट कैसा है, प्रॉपर आपको जानना है तो मैंने इसके बारे में कुछ वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, वो मेरे चैनल पे है, चैनल का नाम आरजे मोहित है, आप इस पे एक बार विजिट करो, देखो आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जिस भी लोकेशन पर आपको जैसा भी पीजी चाहिए, जैसा भी रूम चाहिए, जैसा भी फ्लैट चाहिए, आप वहां जाकर रह सकते हैं। और देखो मेरा मानना तो ये है, आपको लाइफ में एक बार और वो भी स्टूडेंट लाइफ में एक बार हॉस्टल में या पीजी में या फिर रूम पर आपको अकेले रहकर देखना चाहिए, रहना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, एक तरह से नेसेसरी थिंग मान सकते हैं, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द लाइफ और लेसन ऑफ द लाइफ, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको लाइफ के बारे में पता चलता है, आपको एक जो रियलिटी होती है ना, ग्राउंड रियलिटी ऑफ लाइफ, वो आपको पता चलती है। तो आपको एक बार रहना जरूर चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप जयपुर में आके रहो, आप जहां मन कर रहा है वहां रहो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल लाइफ में भी हॉस्टल में रहते हैं तो वो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा फन कर सकते हैं वो, बट ऐसे प्रिपरेशन करने के लिए आओगे तो उस टाइम पे इतना फन नहीं हो पाता। कॉलेज लाइफ में आप फन कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो तो उस टाइम पे आपका फन थोड़ा कम करना पड़ेगा, लाइफ के लिए सीरियस होना पड़ता है आपको, क्योंकि आप प्रिपरेशन करने के लिए आए हो, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना पैसा दिया है, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको घर वालों की, आपके घर वालों को और आपको दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो आपको वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। सो अब इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, तो मिलते हैं और ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब।